ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਗੂਲਰ ਗਾਂ 24 ਨਿਊ ਚੈਨਲ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਸ਼ੇੜੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। गल इदा सी कि भाजी 4 साल तो जेल च रहिंदे सी ते बहुत मैनू तंग परेशान करदे सी ते मैं मेहनत हाँ जी उन्हां दा नाम प्रदीप कुमार है ते मतलब कि मेहनत करती सी तां वी नहीं सी करन दिंदे तंग परेशान बहुत लोकां दी चोरियां जिहड़ा नहीं कोई 7 बजे साडे घरे आ जांदा सी सवेरे कि साडी आ चोरी करती आ साडी अज आ चोरी करती आ कि मतलब कि चोरी का कोई पैसा साढ़े घर नहीं आता साढ़े सब कुछ घरों भी बेच दिता होया वा। असं यही मांग करते हैं कि जिस तरह ही पहला जेल दे विच ही उस तरह इनू अपनी अपना मतलब कि सज़ा दी जाए। असं भी पहला 4 साल हो गए भाजी 4 साल इस मतलब कि इन्होंने तेज हथियार के नाल किसी के उत्ते मतलब कि कतल किया कि जिमें मतलब असी जिस तरह भी सोना है अपना सोना इन्होंने अपने हथियार मतलब रख के सिरां दे उत्ते तो उन्होंने को सोना कढ़वाया सी। हाँ जी उन्होंने समा यह कि 3 बजे उन्होंने चल जाना 6 बजे उन्होंने चोरी करके घर आ जाना है। उन्होंने अपने आंदिया ही कपड़े अपने बदल लेने से जिस तरह भी उन्होंने कपड़े दिखाए से सारे उन्होंने उस दिन के आप कपड़ा कोई नहीं धोता है ये सारे उन्होंने चोरी दे ही है कपड़े। हाँ जी नशे अपने टीके वगैरह जो भी इन्हों का नशा होंगे सब कुछ लगाते हैं। हाँ जी ये नशे भी करते जो भी इन्हों चीज़ा जो भी चीज़ है मतलब कि इन्नी नहीं महंगी चीज़ हो 200 के बेच ही अपने नशे लिए दे आनी है बेच देनी है चीज़ इन्होंने 200 रुपये की। सर 25 तरीक की गल है सवेरे की 25 रात में मैं सर आटो अपना आटो 3 व्हीलर चला गया। बच्चे मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे है जी साहब जी आ देखो जी साहब जी छोटे छोटे बच्चे है चलो कमाई करके माड़ा मोटा टाइम पास करीदा साहब जी ते साहब अगे 3-4 बारी बैटरी मेरी चोरी हो गई है इस करके मैं गड्डी जी आटी आटो जी सुनना सर ते साहब जी आ उदन ही मैं 1 बजे घर गया वहाँ ते ए बंदे ने 4:15 बजे मेरी बैटरी ला के ते लै गया सर। सर मैं बाद पुलिस नूं कंप्लेन लिखा गया 3 दिन हो गए सर कोई कार्रवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं। सर वो जिन्होंने मैंने अपना नंबर दिता ही उन्होंने वो वीडियो भी सेंड की सब कुछ किया सर अज मैं उन्होंने फोन किया सर जी कोई कार्रवाई नहीं की कहें कि मैं चंडीगढ़ गया बहू मेरा हाले टाइम है नहीं आवागा तो फिर आप गल करा तो सर कोई गल नहीं कोई बात नहीं हले तक कोई इंसाफ नहीं मिले। फिर अक् सड़ के सर मैं अपने लागे मेरे गुआंढ रेंदे ने महिला मंडल के प्रधान ने मनजीत कौर माणो सर मैं फिर उन्होंने कोई गलबात की मैडम जी भी भैन जी भी इदा कोई मेरी कार्रवाई मेरी कोई गलबात नहीं सुनता। फिर सर उन्होंने पुलिस को फोन किया सर वो कहते मैं चंडीगढ़ गया फिर उन्होंने सर मीडिया वाले सद्या कि एक गरीब बंदा वा वो भी समान ला के लै जाते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करन दी कि सर यानी कि उन्होंने वीडियो भी पा दी सारा सबूत भी दे दिता आ सब कुछ दस दिता वा तो सर ता भी कोई कार्रवाई नहीं तो जे अगर पुलिस इदा की कार्रवाई सबूत मिले तो कार्रवाई नहीं करनी तो सर इन्होंने बिना सबूत तो कि कार्रवाई करनी सर अंगहीन बंदा सर हूँ रात नेरा होया वा सर वो आया वा बंदा उसकी घर की ना ही गलबात की है कि इदा भैन जी कि तुहाडे घर वाले ने मेरी बैटरी ला के लै गया वा तो कृपा करके सानू साडी बैटरी दे दो असीं कोई कार्रवाई नहीं करते सर उसकी घर की ने उहदे नाल गलबात की है तो उन्हें अपनी घरवाली दे नाल कुटमार करके तो चल गया वा कहिंदा जा लै आ जिन्हों लिया जो करना कर ला मैं 400 रुपये च बैटरी गोखूवाल का कोई बंदा आ उन्होंने गहने पा के आया वा तो हूँ मैं उन्होंने कहा मैं क्या वीर मेरी बैटरी कहिंदा मैं लिया देना सर उन्होंने लिया के आप हूँ पुलिस के हवाले कर दिता सर हूँ अगली कार्रवाई पुलिस ही करेगी जो करेगी तो ये हूँ सर पुलिस के हाथ वासी है सर। हाँ जी लैफ्टन जी हाँ जी इस तरह जी आप फोन आया ही थाने के अं PCR वाले हाँ तो अं इन चोर को फड़न वास्ते आए हाँ इन्हें महल फड़िया इनू कार्रवाई थाने जाके होगी जो